बालासोर जिला इमरजेंसी अथॉरिटी और एनडीआरएफ ने आज बोइंचा पंचायत के इलाके बालीघाट के करीब सैलाब से बचाव के लिए एक फर्जी मस्क का अहतमाम किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मिस्टर साई कृष्ण जेना, बालासोर सदर तहसीलदार आशीष कुमार महापात्रा, एनडीआरएफ, ओडीआरएफ, फायर फोर्स, पुलिस, सेहत, बिजली महकमा के अफसरान, जिला प्रोजेक्ट ऑफिसर ज्योतिर्मय विश्वाल, राबता एनजीओ के नुमाइंदे प्रदीप कुमार जेना, मकामी सरपंच रविंदर कुमार प्रधान के साथ मकामी बाशिंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। हिंदुस्तान के आरएफ हुकाम ने दिखाया कि सैलाब के दौरान लोगों को कैसे बचाया जा सकता है और हर कोई अपने घर के रखे सामान से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर खुद को और परिवार को बचा सकता है। इस बात पर भी तबादला ख्याल किया गया कि किस तरह मकामी लोग हिंदुस्तानी फिजाइया, ओडीआरएफ और फायर फोर्स के साथ राबता कायम कर अपनी सलाहियतों को बेहतर बना सकते हैं। आखिर में सरपंच रविंद्र कुमार प्रधान ने तमाम अफसरान और मौजूद लोगों का शुक्रिया अदा किया। आज जो मॉकड्रिल्टी होमर एनडीआरएफ द्वारा होनडीएम गाइडलाइन अनुसार सिनेरियो आज एमती अच्छे कि आमर जेहेतु गोटे फ्लड एफेक्टेड एरिया बालीघाट एरिया फ्लड एफेक्टेड एरिया तो सिनेरियो यटा कि आम जो सेपटे देखुं नई अच्छी नई सेपटे किसी लोक मरीन होकर रही जाती जो मैं इमिडियेटली रेस्क्यू करा दरकार तो से लगे आम एनडीआरएफ फोर्सेस आज तक गोटे मक एक्सरसाइज करमें रेस्क्यू करके सुरक्षित भाव एपट सक आटा आगामी दिन में जितेबाला आमर बालेश्वर गोटे कोस्टल जिला जेहेतु फ्लड एफेक्टेड साइक्लोन एफेक्टेड एरिया आम रही है बालेश्वरटा तो से जिन सर एनडीआरएफ तो ये ट्रेनिंग प्राप्त से तो ये उद्धार कार्य आप करेंगे मॉकड्रिल करेंगे ताद्वारा लोक शिखे कि निहाती कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रोच जो ट्रेंड्स पर्सनल अच्छा एनडीआरएफ रुंतु ओड्राफ रुंतु फायर रुंतु ये जो अभ्यास रोक या द्वारा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो रही सेपटे आम वॉलंटियर्स मैंने अच्छा आम लोकल पीआरआई मेंबर अच्छा से द्वारा किसी शिखिपर या पर गोटे डेमो भी अच्छे डेमो सेसन गोटे अच्छी अध घंटार डेमो सेसन में मैंने जिते इक्विपमेंट्स अच्छी केमी व्यवहार करहब वाद्वारा आम कमी उपकार पाई से विषय में शिखेदेवे। आपको भी पता है यहाँ पे बालासुर में फ्लड एरिया है तो बाढ़ आती रहती है, उसी के चलते एनडीएमए द्वारा हमें गाइडलाइन है कि समय समय पर जाके मॉक ड्रिल करवाई जाए और अवेयरनेस के लिए मॉक ड्रिल के बाद अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो क्या प्रोग्राम है वो भी आप देख लेंगे, जैसे ड्राई रेस्क्यू टेक्निक हुई या फिर हम जो है इम्प्रोवाइज डिवाइस द्वारा, इम्प्रोवाइज डिवाइस ऐसे डिवाइस हैं जो सब घर में मिल जाते हैं, इम्प्रोवाइज डिवाइस द्वारा भी किसको जल्दी से जल्दी उसको बचाया जा सकता है ये तरीके बताए जाएंगे। अब आज का प्रोग्राम सबसे पहले स्टार्टिंग में हम यहाँ पे उस तरफ गांव वाले 6 से 10 आदमी फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जाएगा। रेस्क्यू के बाद सिनेरियो में ये रहेगा कि एक बोट है विलेजर्स की, मछली पकड़ने वालों की, वो बोट पलट जाती है और उसमें 2 आदमी फंस जाते हैं, उनको निकाला जाएगा और अंदर से डीप डाइवर के द्वारा अंदर से कैसे निकाला जाएगा, कैसे लाया जाएगा, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और क्या नया टेक्नोलॉजी कुछ यूज़ किया जाएगा आगे जाके? हाँ, नया टेक्नोलॉजी के साथ ही होगा, डीप डाइविंग वगैरह है ये नया टेक्नोलॉजी के साथ ही होगा और आपको हम इम्प्रोवाइज डिवाइस द्वारा भी बताएंगे कि ये चीज़ें सब कर सकते हैं मगर करते नहीं हैं और सारी चीज़ें नई टेक्निक के द्वारा ही बताई जाएगी जिससे समझ में आए, सबको समझ में आए।